मेरे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो हायर का फ्रिज का मॉडल है, इसमें आज हम देखने वाले हैं कि हायर का फ्रिज अगर बंद हो जाएगा, कोई भी मॉडल हो, कोई भी फ्रिज का मॉडल हो, अगर वो बंद हो जाता है दोस्तों, तो इसको कैसे ट्रबल शूट करना है, कैसे आसानी से आपके घर में इसको ट्रबल शूट करना है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों इसका ट्रबल शूट करने के लिए आपको सेफ्टी का बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, आपके पास इक्विपमेंट होना बहुत ज़रूरी है, आपके पास ये मल्टीमीटर होना चाहिए। देखिए ये मेरे पास मल्टीमीटर है, अगर आपको ये मल्टीमीटर का यूज़ पता नहीं है तो मैंने इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में दे देगा, ठीक है। तो मल्टीमीटर का बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस रिपेयर करने के लिए फ्रिज को, ठीक है। तो दूसरा इक्विपमेंट है दोस्तों, ये हमारा टेस्टर है, टेस्टर का भी इसको रिक्वायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसका कैसे ट्रबल शूट करना है डोमेस्टिक फ्रिज को ये बताता हूँ। चलिए दोस्तों फर्स्ट स्टेप हम देखते हैं कि पावर सप्लाई। चलिए तो दोस्तों ये देखिए मैंने ये मेरा मल्टीमीटर है, इसको मैंने ऑलरेडी वोल्टेज मोड पे सेलेक्ट कर दिया है। देखिए ये जीरो पे ऑफ था, इसको ऑन करिए आप, ये देखिए ये डीसी वोल्टेज है, अभी इसको सेलेक्ट करेगा तो एसी वोल्टेज आएगा, ठीक है। ये देखिए मेरा ये घर का पावर सर्किट बोर्ड है, इसमें मुझे पावर सप्लाई चेक करना है, ठीक है। मैं अभी इसका स्विच ऑन करता हूँ, इसमें मुझे पावर मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों इसमें मुझे पावर मिल रहा है 179, ठीक है। दोस्तों अगर हमारा फ्रिज 220 का रहेगा तो उसमें उसके लिए मैंने इसका स्टेबलाइजर यूज़ किया है, वोल्टेज रेगुलेटर यूज़ किया है, तो मुझे वोल्टेज और रेगुलेटर के बाद उसका पावर चेक करना है अभी। चलिए तो मैं अभी वोल्टेज रेगुलेटर के बाद पावर चेक करता हूँ, उधर मुझे 230 पावर मिलना चाहिए। ये देखिए दोस्तों ऑलरेडी मैं इसका मेन पावर ऑन कर दिया है, अभी मेरा इधर पावर शो कर रहा है। देखिए वोल्टेज ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर है, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, अगर आपका मेन पावर कम रहेगा तो उसको रेगुलेट करके 230 देगा, अगर इसका पावर आपका ज़्यादा रहेगा तो उसको पावर कम करके जितना आपका फ्रिज का रिक्वायरमेंट है उतना पावर दे देगा। चलिए तो इसका जो इनपुट है बैक साइड में आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए दोस्तों ये मेरा इनपुट आ गया है इधर, और इसका जो आउटपुट है, आउटपुट में अभी हम करेंगे इसका पावर चेक। देखिए ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का मैं ऑन कर देता हूँ, मल्टीमीटर एसी में ऑन कर दिया, अभी दोनों लेड मैं ऑलरेडी इंसर्ट करके पावर चेक करता हूँ, इधर मुझे 230 मिलना चाहिए। देखिए दोस्तों इधर मुझे बराबर 213, ऑलमोस्ट 230 मिल रहा है, तो इसका मतलब मेरा वोल्टेज के आउटपुट में भी पावर सही है। चलिए तो दोस्तों इधर हमारा पावर सप्लाई अभी इधर सही है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका सर्किट डायग्राम। ये देखिए दोस्तों ये जो आपका फ्रिज होता है उसके बैक साइड में हर एक फ्रिज का हर एक मॉडल का इधर सर्किट डायग्राम होता है। चलिए तो पहले इस फ्रिज का ट्रबल शूटिंग करने से पहले मैं आपको इस सर्किट डायग्राम को एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए दोस्तों ये हमारा पावर प्लग है, पावर प्लग में हमारा आउटपुट पावर है एकदम सही है। देखिए दोस्तों इसमें जो तीन पावर है, एक ग्राउंड होता है, एक ब्लैक होता है और एक रेड होता है। रेड का जो पावर सप्लाई जाता है दोस्तों, इसके बाद जो पावर आता है इधर जाता है हमारा थर्मोस्टैट में। देखिए ये जो थर्मोस्टैट होता है ये इसका यूज होता है, अगर आपका फ्रिज का टेम्परेचर आ गया, डिजायर टेम्परेचर पे आ गया, तो इसको क्या करता है ये कट ऑफ कर देता है और ये कंप्रेसर को बंद कर देता है। अगर डिजायर टेम्परेचर आपका ज़्यादा हो जाता है तो फ्रिज क्या होता है, ये थर्मोस्टैट ऑलरेडी ऑटोमेटिक ऑन होता है और ये रेड इधर से पावर
थर्मोस्टैट से होते हुए चला जाता है हमारे कंप्रेसर के कॉमन वाइंडिंग में। देखिए ये जो कंप्रेसर का कॉमन वाइंडिंग है, इस कंप्रेसर सिंगल फेजिंग का कंप्रेसर होता है, एक कॉमन होता है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है और इसका मेन वाइंडिंग होता है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों इसका मैं अभी एक फेज का आपको एक्सप्लेन किया है, अभी हम इसको एक्सप्लेन करता है नेक्स्ट फेज का। ये देखिए ये ब्लैक कलर का जो वायर है, ब्लैक कलर का वायर देखिए इधर गया है। अभी ब्लैक कलर का जो वायर गया है दोस्तों, इधर देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, इधर ही नॉर्मली प्रॉब्लम फ्रिज में आता है। देखिए इधर रिले और कैपेसिटर है। देखिए अगर रिले आपका ख़राब हो जाएगा तो आपका कंप्रेसर में पावर नहीं जाएगा, अगर आपका कैपेसिटर भी खराब हो जाएगा तो भी आपका कंप्रेसर नहीं चल पाएगा। तो रिले और कैपेसिटर को कैसे चेक करना है इस वीडियो में मैं आपको बताएगा। चलिए तो दोस्तों अभी हम ट्रबल शूट करते हैं एक्चुअल में। तो रिले चेक करेगा, कैपेसिटर चेक करेगा और एक कंप्रेसर का वाइंडिंग चेक करेगा। देखिए दोस्तों ये जो है मेरा एक कंप्रेसर है, ये सिंगल फेज कंप्रेसर होता है। इसमें देखिए आप देख सकते हैं इधर 3 लीड है। ओके, वो पावर ऑफ कर दो। इसमें देखिए आप इधर देख सकते हैं 3 लीड है। देखिए ये 1 है, ये 1 है, ये 2 और ये इधर 3 है। ठीक है, तो इसमें से क्या होता है दोस्तों, ये जो ऊपर वाला होता है ये कॉमन होता है, ग्राउंड होता है, एक जो इसमें होता है स्टार्टिंग वाइंडिंग होता है और जो दूसरा रहता है मेन वाइंडिंग और उसको रनिंग वाइंडिंग बोलते हैं। तो इस कंप्रेसर को कैसे चेक करना है तो इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ये जो मैंने इधर ऑलरेडी ड्राइंग ड्रॉ किया है, देखिए ये जो कैपेसिटर होता है, तो ये देखिए दोस्तों अभी मैं आपको इधर दिखाता हूँ कि ये देखिए ये जो कॉमन वाइंडिंग है ग्राउंड है और दूसरा जो है एक स्टार्टिंग वाइंडिंग है और एक रनिंग वाइंडिंग है। तो मैं अभी मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेलेक्ट करता हूँ और ये ग्राउंड और स्टार्ट वाइंडिंग का कंटिन्यूटी चेक करता हूँ और इस ग्राउंड और रन वाइंडिंग का कंटिन्यूटी चेक करता हूँ और इस दोनों वाइंडिंग का कंटिन्यूटी स्टार्ट एंड रन का चेक करता हूँ। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अभी इसका एक कंप्रेसर सही है या नहीं है। इधर आ जाओ, देखिए दोस्तों ये मल्टीमीटर को मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट किया है कंटिन्यूटी मोड पे। कंटिन्यूटी मोड पे मल्टीमीटर को सेलेक्ट किया है। अभी देखिए मैं एक कॉमन पे रखा है और एक स्टार्ट वाइंडिंग पे रखा है। तो देखिए एक कॉमन और एक स्टार्ट वाइंडिंग पे 33.1 आया है, तो मैं लिख के रखता हूँ 33.1। ओके, अभी देखिए दूसरे पे कनेक्ट करता हूँ और कॉमन पे, ये 14.4 आया है। ठीक है, अभी मैं इस दोनों का चेक करता हूँ, ये स्टार्ट और रन वाइंडिंग का जो है इस दोनों का कंटिन्यूटी चेक करता हूँ। ये देखिए 47.1। ओके, 47.1 आया है। देखिए दोस्तों अगर ये दोनों का मैं अगर प्लस कर देगा 4 and 3 = 48 and 47.7। ओके, तो ये देखिए इस दोनों वाइंडिंग का जो सम किया 48 आ गया और स्टार्ट एंड रन वाइंडिंग का मैंने जब कंटिन्यूटी चेक किया तो इसका भी 47.7 ऑलमोस्ट 48 आ गया। इसका मतलब जो मेरा एक कंप्रेसर है, ये जो फ्रिज का कंप्रेसर है, ये सही है। चलिए तो दोस्तों इसका जो रिले है, इस रिले के बारे में आपको मैं बताता हूँ। बंद कर, देखिए दोस्तों ये जो रिले होता है ये कंप्रेसर के वाइंडिंग को कनेक्ट किया होता है, तो इस रिले को पहले हम चेक करते हैं। देखिए ये जो रिले है ये कंटिन्यूटी मोड पे मैंने ऑलरेडी मीटर रखा है, थोड़ा लिख रहे हैं
मीटर रखा है, तो अभी ये इनपुट है मेरा ये रिले का, और ये जो है आउटपुट है। तो देखिए इसमें मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है, इसका मतलब जो ये मेरा रिले है ये भी सही है। चलिए तो दूसरा जो रिले है ये एक्चुअल में रिले होता है, ये ग्राउंड कनेक्टर होता है, वो भी हमें चेक करना चाहिए। देखिए इसका इनपुट में मैंने डाल दिया है, और इसके आउटपुट में देखिए इसके आउटपुट में मुझे कंटिन्यूटी मिल रहा है, इसका मतलब ये भी मेरा रिले सही है। अभी देखिए दूसरे साइड से लगा के मैं इधर लगा देता हूँ, इसका मतलब जो है दोस्तों एक कंटिन्यूटी मिल रहा है मुझे इनपुट आउटपुट में, तो ये मेरा रिले जो है ये सही है। अभी हमारा बाकी है कैपेसिटर चेक करना। देखिए दोस्तों ये कैपेसिटर को कैसे चेक करने का, ये मल्टीमीटर से देखिए, ये मल्टीमीटर का इधर सिंबल है, कैपेसिटर को सेलेक्ट किया है ऑलरेडी मैंने। अभी जो कैपेसिटर है मेरा ये 6 माइक्रोफेराइड का है, ठीक है। तो 6 माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर को कैसे चेक करना है दोस्तों, कैपेसिटर मोड पे डाला है मैंने ऑलरेडी, और इसका दोनों लीड पे लगा दिया है। ये देखिए 6 almost 4.1 माइक्रोफेराइड इसका वैल्यू मिल रहा है, इसका मतलब जो है मेरा ये कैपेसिटर भी सही है। चलिए तो दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका था कंप्रेसर को फ्रिज को ट्रबल शूटिंग करने का। अभी इसमें हम अभी एक पूरा सिस्टम कनेक्ट करके कंप्रेसर को चला के देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मेरा फ्रिज है, ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं इधर लाइट ब्लिंक हो रहा है। अभी हम इसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है या नहीं वो देखेंगे। आप इधर से टेम्परेचर सेलेक्ट भी कर सकते हैं थर्मोस्टेट को।